गाइज कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज मैं आपके साथ पूरे ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ राजस्थानी थाली दाल बाटी चूरमा। पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और टेस्ट करके भी बताऊँगी कि कैसी बनी है। और आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। यहाँ मैं लेके आ गई हूँ एक मीडियम साइज का प्याज, दो मिर्ची और चार टमाटर। देखती हूँ टमाटर ज़्यादा हुए तो वापस निकाल दूँगी। बाकी ये दो लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप चाहे ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा प्याज वगैरह। अब ऐसे छोटे छोटे करके प्याज डालेंगे ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक प्याज काफ़ी मेरे हिसाब से, क्योंकि तो ये काफ़ी बड़ा था ना, इसीलिए मीडियम साइज था लेकिन साइज बड़ी थी इसकी। इससे भी बड़े और भी प्याज पड़े हैं। इसीलिए मैं ट्रे में काटती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से कट जाता है इसमें। टमाटर को भी मैं छोटे छोटे पीस में कट करूंगी। टमाटर तो वैसे ही गल जाने हैं दाल में, लेकिन इनका जो खट्टापन है ना वो बड़ा अच्छा आता है, इसीलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और आप चाहे तो नींबू भी डाल लेना, वो तो सब लेते ही हैं नींबू को। ये कट के तैयार हो गया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है और दो मिर्ची है और दो टमाटर है। ये दो जनों के लिए तो काफ़ी है। यहाँ मैंने आधे घंटे पहले दाल भिगोई थी, अब मैं इसको उबाल लेती हूँ ताकि एकदम अच्छे से उबल जाए, फिर मैश करके उसका तड़का लगा दूँगी। ये दाल मैं इसमें डाल देती हूँ फिर उबाल लूँगी, इसे मैं उबाल लेती हूँ।
थोड़ा पानी लेके आ जाती हूँ। मैंने ये ले लिया आटा, अब आटे के लिए इसका डो बना लेते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी अजवाइन बाटी में, थोड़ा डाल लेती हूँ नमक, और थोड़ी सी कलर के लिए अच्छी लगेगी हल्दी डाल लेते हैं। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें घी, बाटी सॉफ्ट बनेगी इसलिए ये घी डाल रही हूँ मैं, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। जो डो बनेगा ना वो एकदम गीला नहीं करना है, ये देखिए गाइस आटा लग के तैयार हो गया है बाटी के लिए, और मैंने इसको पूरा नहीं गूंदा है क्योंकि वो सिर्फ कड़क जो टाइट बोलते हैं ना वो बाटी बनती है, ऐसा पूरा नहीं गूंद के ऐसा बना लेंगे ना तो बाटी अच्छी बनेगी। मैं यहाँ धो रही थी बाटी वाला कुकर जो काफ़ी दिनों से पड़ा था, तो मैं धो के फिर मैंने कहा थोड़ी देर सूखने देते हैं फिर उसके बाद इसमें भी बाटी बना लेते हैं, और ये फिर जाली भी मैंने साथ में ही धो ली, ये तो फिर नहीं धोया नीचे वाला क्योंकि इस पर तो बाटी चिपकती है नहीं, इन दोनों का यूज़ होता है मेन, तो फिर इन दोनों को ही धो के फिर इसमें मैंने अच्छे से बाटी बना ली थी। फिर यहाँ मैं बाटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम हो गया था, मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे तो मैंने सोचा रेसिपी भी हो जाएगी और साथ में अभी बना लेते हैं, और मैं कोई ये नहीं था कि छोटी बाटियाँ बनाओ या बड़ी बनाओ, जो बन रही थी जैसे ही बन रही थी वो बना रही थी मैं, जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ छोटी बड़ी कोई फिक्स साइज़ नहीं है, और गोल गोल ज़्यादा वो भी नहीं है कि मैं एकदम अच्छे से आटा लगा के फिर गोल एकदम गोल बाटियाँ बना रही हूँ। अब गाइस ऐसे भी बनाओगे ना कम आटा लगा के भी तो भी अच्छी बनेगी बाटियाँ, और फटती है ना बाटी तो अच्छी पकती है, वो अंदर से भी पक जाती है क्योंकि फटने से पता चल जाता है एक अपन गीला आटा रखेंगे तो वो एक टाइट हो जाएगी और अच्छे से शायद नहीं पकेगी। और यह मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, वो नहीं था कि अच्छी बने गोल गोल बने, ये तो था नहीं। यहाँ पूरी बाटियाँ मैंने बना ली है, कोई साइज़ का वो नहीं है, बड़ी बड़ी बाटियाँ बनाई है मैंने और काफ़ी अच्छी लग रही है, और हल्दी से इनका कलर काफ़ी अच्छा आ गया। बाटियाँ बन के तैयार हो गई है, अगर ऐसी बनेगी ना कोई दिक्कत नहीं है, फटेगी अच्छे से पकेगी
वो कोई इश्यू नहीं है, इसमें छोटी बड़ी सब पार्टियाँ हैं। मैंने कोई साइज़ अच्छे से नहीं रखी है कि एकदम वीडियो के लिए मैं अच्छी अच्छी छोटी छोटी बनाऊँ, जो हम रोज़ बनाते हैं वही बनाई है मैंने। और अभी आप देख सकते हैं ये पैक नहीं है, लेकिन नीचे से ही फटेगी ना, जल्दी पकेगी और अच्छी लगेगी। मैंने ये बाटियाँ रख दी है, काफ़ी ज़्यादा बन गई है, लेकिन बाटियाँ हैं और इधर दाल उबल रही है। गैस कम कर देती हूँ और ये फिर ढक्कन लगा के थोड़ी थोड़ी देर में मैं चेक करती रहूँगी। और बाकी ये तो हो गया, अब फिर दाल बनानी। देखते हैं बाटी सीखी है क्या। अभी नॉर्मल थोड़ी थोड़ी सीखने लग गई, एक बार मैंने इनको पलट दिया था। अभी देखिएगा, अभी तो नहीं सीखी, लो फ्लेम पे है तो अच्छे से सीख जाएगी बात। ये जो दाल मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ घी में, क्योंकि घी डाल काली मिर्ची डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ी सी राई डालनी है। मैंने पहले मिर्ची इसलिए डाली है क्योंकि ये स्टील का है ना, तो राई डालते ही उछल जाती है, इसलिए मैंने पहले मिर्ची डाल दी है फिर राई डाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। मिर्ची अच्छे से भून गई है, और अब मैं डालूंगी इसमें डाले थे मसाले, लहसुन इसमें कूट के, फिर मैंने इसी में मिर्ची और हल्दी और धनिया मिक्स करके अब मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो मिक्स भी ऐसे ही सीधी मिर्च और मसाले सीधे ही प्याज में डाल सकते हो, लेकिन मैं पानी में डाल के फिर करती हूँ। इससे क्या है मिर्ची वगैरह अच्छे से पक जाती है, और अभी इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये मिर्च वगैरह डाल दी, अब पक रही है अच्छे से। तो गाइस अच्छे से पक चुकी है ये मिर्ची, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, ये सॉरी ये टमाटर।
ये गाइस बाटियाँ अच्छे से पक गई है, थोड़ा और टाइम लगी। और ये मैंने बोला था ना ऐसे फटेगी, ये देखिए गाइस फट रही है और अच्छी पकेगी फटने के बाद। और थोड़ी जल गई है, कोई नहीं, वो तो गाइस कितनी अच्छी बाटियाँ पकी हुई है। थोड़ी देर और इसको पकाती हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये दाल। अब लो फ्लेम पे थोड़ी देर में पकने दूंगी इस दाल को। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा नमक। इसमें डालूंगी धनिया। ये देखो गाइस मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं, फ्रेश का फ्रेश पड़ा है। इसमें स्टील के बर्तन में ढक के और चॉप करके धो के और रखा हुआ है, अभी तक एकदम फ्रेश पड़ा है। आप चाहो तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, धनिया एकदम फ्रेश रहता है। थोड़ा अभी डाल देती हूँ, थोड़ा ऊपर से डाल लूँगी। इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है ना, इसलिए साथ में बीच में ही डाल देना चाहिए। थोड़ा पकेगा ना तो ज़्यादा खुशबू अच्छी आएगी। और आप चाहो तो पुदीना भी डाल सकते हो। ये देखिए गाइस इस तरीके से मैं स्टोर करके रखती हूँ धनिया को। ये देखिए कितना फ्रेश है। देखिए गाइस बाटियाँ पूरी पक चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है। और इधर दाल भी बन गई है पूरी, ये देखिए गाइस। ये दोनों चीज़ें हो गई है रेडी। ये देखिए गाइस चूरमा रेडी हो गया है। मैंने क्या किया, 2 बाटी ली और गरम गरम बाटी ली, और उसे से उसी में अंदर चीनी डाल दी, घी डाल दिया और ये बन गया। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस चूरमा कितना अच्छा बना है, बहुत शानदार है। ये मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था मैंने। देखिए गाइस सारी चीज़ें बन चुकी है, दाल बाटी चूरमा तीनों बन गए हैं। और मैंने प्याज भी कट कर लिए, हरी चटनी मैंने कल बनाई थी वो भी मैंने कहा चलो आज ही ऐड कर लेते हैं इसके अंदर दाल बाटी में ही। और ये देखिए गाइस अभी खाने पूरी थाली सजाने के बाद भी आपको और दिखाऊंगी। ये जो मैं धनिया बता रही थी आपको, मैंने कहा लास्ट में और डाल लूँगी। ये थोड़ा मोटा कट किया हुआ है लेकिन ये देखिए गाइस गार्निश के लिए थोड़ा और डाल देते हैं। और ये मैंने प्याज कट किए थे, इसी साइज के किए थे। ये प्याज ये नींबू हो जाएंगे। यहाँ मैं डाल देती हूँ चूरमा। ये देखिए गाइस चूरमा कितना अच्छा बना है, ये देखिए। मैंने इसी बाटी का बनाया था, काफ़ी टेस्टी बना है, मैंने टेस्ट किया था। यहाँ मैं डाल देती हूँ चूरमा। आप थाली रेडी कर देते हैं। तो गार्निश के लिए मैं थोड़े से इसमें डाल देते हैं चूरमे के अंदर किशमिश, थोड़ा अच्छा लगेगा, लुक चेंज हो जाएगा। और फिर इसमें डालते हैं दाल।
और ये है पार्टी। आप चाहो तो घी डाल लो या कुछ भी। ये देखिए कितनी अच्छी थाली बनी है। तो आप चाहो तो ये घी भी है, जब आप खाओ तब घी भी डाल लेना। बाकी ये देखिए, ये है हरी चटनी, ये चूरमा और ये दाल, ये बाटी। आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लुक आया, बहुत टेस्टी भी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनी है। मेरे हस्बैंड की तो काफ़ी फेवरेट है ये दाल बाटी चूरमा।